going to read and explain to you. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन क्या होता है? नसरुद्दीन है, वो बातें करता है अपने दोस्तों के साथ और फिर वो क्या करने लग जाता है? अपनी खुद ही पढ़ाई, अपने मुंह से ही मियां मिट्ठू बनना, जिसको कहते हैं ना हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही अपनी पढ़ाई ऐसी करता है कि कोई भी मुझे धनुष विद्या, आर्चरी मीन्स धनुष विद्या में मैच नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, वुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। एरो मीन्स तीर। अब नसरुद्दीन जी हैं जो क्या कह रहे हैं, जैसे ही मैं अपना वो मीन्स धनुष उठाता हूँ, टारगेट लेता हूँ, डेफिनेटली कि मेरा टारगेट पे ही मेरा जो तीर है वो हिट करेगा। मतलब वो बहुत श्योर होता है कि मैं कभी अपना मिस नहीं करता, मेरा टारगेट मेरा कभी मिस नहीं होता, मुझे कोई भी धनुष विद्या में मैच नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता। आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा जो आर्चरी जो विद्या है मेरी धनुष विद्या बहुत, मैं उसमें पारंगत हूँ यदि मैं कहा जाए। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली गॉट अ बो एंड सम एरोस। ये सुनते ही एक दोस्त ने फटाफट क्या किया, धनुष और बाण लाके लेके आ गया, वो एंड एरो लेके आ गया। उसका एक दोस्त तुरंत ही एक धनुष और बाण ले आया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। और वो जो लेके आए हैं धनुष और कुछ बाण, वो नसरुद्दीन को देते हुए उनके फ्रेंड क्या कह रहे हैं कि लो नसरुद्दीन इसे लीजिए। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। और फिर उन्होंने एक टारगेट बताया कि चलो अब उसका आप निशाना लो और उसे शूट करो अपने एरो से, अपने तीर से। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट एम एट द लार्ज टारगेट एंड शूट एंड एरो। नसरुद्दीन क्या करता है, लेता है जो बो दिया है, जो धनुष दिया है उसे अपने हाथ में लेता है, फिर टारगेट लगाता है, स्ट्रंग एम निशाना है वो लगाता है वो एट द टारगेट एंड शूट एंड एरो, और फिर वो एरो चला देता है। दिस इज कॉल्ड टारगेट। ओके, यू कैन सी इन योर पिक्चर, इसे हम जो कहते हैं ये टारगेट होता है, राइट। यहाँ उसने धनुष दे रखा है, राइट, आप देख सकते हैं। अपने कुछ दोस्तों के साथ नसरुद्दीन जी खड़े हैं और बड़ी बड़ी हाँ रहे। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट। अरे एरो तो टारगेट पे लगा ही नहीं, हिट नहीं किया मतलब उसको लगा ही नहीं। इंस्टेंट इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। और जहाँ टारगेट पे इंस्टेंट मतलब टारगेट पे लगने के बजाय वो कहीं और ही जाके बीच में गिर गया। फेल डाउन मीन्स गिर गया। हा हा हा, वहाँ पे अब हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, वहाँ पे जो फ्रेंड्स है हा 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 करके हंसने लगे। आप लोग भी कभी कुछ आपसे गलती होती है तो फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते ही हैं, तो उसी तरह नसरुद्दीन जी के फ्रेंड्स अब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। दे सेड, हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एंड। अरे नसरुद्दीन क्या ये है आपका बेस्ट एंड? ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोलता है ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप के बचाव में बोलते हैं, डिफेंडिंग खुद के बचाव में, हिमसेल्फ अपने बचाव में वो ये कह रहे हैं अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, ये कोई मेरा एम नहीं है। इट वॉज आजाद सिंह, ये तो आजाद जो दूसरा उसका फ्रेंड है उसके बारे में बता रहे हैं, ये तो उसका एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ आर
certainly didn't hit the target. लेकिन फिर भी पक्का वो टारगेट को तो जो तीर है उसने हिट नहीं किया है. They asked the student, and this must be hard to shoot an arrow. Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim. अब नसरुद्दीन के फ्रेंड बोलते हैं अच्छा ये तो तुम्हारा ही निशाना था ना. तो वो बोलता है नो ऑफ कोर्स नॉट, ये निशाना भी मेरा नहीं था. ये किसका है? जो वहाँ पे मुख्य गार्ड खड़ा है, जो मेन वहाँ पे गार्ड मंत्री खड़ा है, ये उसका निशाना है, मेरा नहीं है. नाउ समबडी रिमार्क, अब कोई यहाँ पे इस बात को नोटिस कर रहा था कि ये बार बार बहाने बना रहा है. एक्चुअली में इसे टारगेट को हिट करना नहीं आता ऐसा. अब एक भाई वहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो कुछ उसको नोटिस भी कर रहा है. वैसे तो सभी को पता है लेकिन एक बिल्कुल ज़्यादा ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया जिस तरह से कि उसको नोटिस कर रहा है. नाउ समबडी रिमार्क वेल, और एक ने काफ़ी अच्छे से इसको रिमार्क कर लिया. नाउ हूज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, और उसने क्या फिर उसको कह दिया, अब आपकी लिस्ट में दूसरा कौन है, मतलब जिसके ऊपर आपका निशाना नहीं लगेगा और आप नाम लगा देंगे. हियरिंग दिस, ये सुनते ही, हियरिंग सुनना, हियरिंग दिस ये सुनते ही ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, एकाएक सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे. ये सुनते ही ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, सभी एक साथ हंसने लगे. हम लोग किसी का कमेंट पास करते हैं जब बच्चे भी आप लोग भी तो आपने चढ़ाना होता है जिस तरह से, इसी तरह से इतने टोन में लाफ करने लगे, हंसने लगे. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा. ही क्विकली पिक अप वन मोर एरो, और उसने जल्दी ही एक और एरो उठा लिया. एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. अब अगेन इस समय नसरुद्दीन क्या हुआ, कुछ लकी था. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, और जो एरो थी वो टारगेट पे लग गई. एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अ गैप इन अमेज, अब सभी टकटकी लगाकर नसरुद्दीन को देखने लग गए. स्टैंडनेस घूमना, टकटकी लगा के देखना, और सबके मुंह खुले के खुले रह गए, सरप्राइज हो गए ना. एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अगेन इन अमेजमेंट, सबके मुंह सरप्राइज से खुले के खुले रह गए और सब उसको नसरुद्दीन को टकटकी लगाकर या फिर ऐसे घूम के देखने लगे क्योंकि एकदम टारगेट पे अब उसका जो एरो था वो हिट कर चुका था, तीर निशाने पे लग चुका था. बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन से ट्रायम्फेंटली डिड यू सी दैट इट वाज माय एम, एकदम कोई भी उसको कुछ कहता, कोई भी कुछ कहता उससे पहले नसरुद्दीन ने क्या कहा आप देखा आपने, एकदम जीत की खुशी हो गई ना, तो उस खुशी से एकदम एक्साइट हो गए. फिर नसरुद्दीन जी बोल रहे हैं अब आपने देखा ये था मेरा एम, ये था मेरा निशाना. सो स्टूडेंट्स आपने ये स्टोरी सुन ली, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी. हम इसकी एक्सरसाइज लें जस्ट गिव मी वन सेकंड. Nasruddin's friend bought
a bow and some arrows. Nasruddin hit the aim. Answer is third time. You can see your all answer. First one is train, second is archery, third is azar, fourth is a bow and some arrows, and last one is third time. Okay. This is fill in the blanks. You can see. Now I am going to read this. Nasruddin was chatting with his friend. Answer is chatting. His friends immediately brought a bow and some arrow. Answer is bow and arrow. Third is Nasruddin picked up another arrow. Answer is pick. Hearing this, all the friends burst out laughing. Answer is burst. Answer is burst. Don't say burst. Huh? Let me say put the finger. Burst. Answer is burst. Everybody started at Nasruddin's Everybody stared at Nasruddin, their mouth agape in amazement. So stared and agape. I'm going to repeat this. Chatting, bow, arrow, pig, burst, stared and agape. This is called stare and this is agape. Okay? Write true or false for the following statements. First is Nasruddin was chatting with his friend. That is true. They were talking about hunting the animals. That is false. Nasruddin successfully defended himself first time. That is true. Nasruddin was certainly not a good archer. That was false. That is also true. Sorry. Nasruddin was certainly not a good archer. That is also true. वो कोई सही में अच्छा धनुष विद्या का मैं पारंगत नहीं था, कोई बहुत ज्यादा अच्छा वो गुड आर्चर नहीं था, ये बात सही है. नसुद्दीन वॉज रियली अनलकी थर्ड टाइम. फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज ट्रू एंड लास्ट वन इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फोर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड नसुद्दीन बोस्ट अबाउट? Nasruddin began to boast about his skill in archery. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Nasruddin took someone else's name to defend himself because each time he missed the target. Third is, why did Nasruddin say it was my aim the third time? Nasruddin was really lucky because the arrow hit the target in third time. So he said it was my aim. Do you think Nasruddin was good at archery? No, Nasruddin was not good in archery because he failed two times and lucky hit the target third time. You can see your all question answer. First A, B, C and D. You get PDF copy of this lesson today. So you don't worry, I will send it to you. Number 5, answer to the correct spelling. यहाँ पे जो correct spelling है उसको हमें circle करना है. That is already done. First one is this, second Nasruddin archery and target and defend. जो right है उसको मैंने already circle कर दिया है. Number question number 6. Replace the bold word, oblique words with a word from the picture and rewrite the sentence. ये सब हमें कुछ words यहाँ पे लिखा है, bold words है. Replace the bold word, oblique words with word. यहाँ पे करने में जो उसे हमें वापस से replace करके लिखते हैं, so मैंने आपके लिए already लिख दिया students. क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, क्या है हमारा? शूट द एरो, यहाँ पे एरो से हमें मैच फिटिंग करना है एंड ये बता के बताया चल रहा है वेदर करेक्ट. चैटिंग, टॉकिंग, इन्फॉर्मिंग, इसी तरह से मैंने सभी मैच कर दिए हैं स्टूडेंट्स.
फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं उससे हमें ये ग्रिड है वो फिल करनी है। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस, और आप एक शब्द को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। यू कैन सी ऑल वर्ड्स ओवर हियर, using the information in grid write a sentence about each game one has been done for you। यहाँ पे यहाँ से जो information मिली है उसके according ये एक आपके लिए कर दिया है, बाकी अब ये आपके according करना है तो ये सब आपको लिख दीजिएगा। यहाँ पे सभी लिख लिए हैं मैंने, आपको सिर्फ इसके according यहाँ सभी A B C D करना है, तो ये आप अपने तरीके से यहाँ इसके answer लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 पूरा होता है।